भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हजारों हिंदू सड़क पर उतर आए हैं। नेपाल की सड़कों पर भयंकर बवाल चल रहा है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले नेपाल में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की एक धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी कर दी थी। कट्टरपंथियों ने 80% हिंदू आबादी वाले देश में हिंदुओं को ही दौड़ा दौड़ा कर मारा था। छतों से हिंदुओं पर पत्थर फेंके गए थे। उसी दिन से नेपाल के हिंदू भड़क गए थे और अब सड़कों पर नेपाल में हिंदू राजतंत्र को वापस लाने की मांग उठ रही है। हजारों हिंदू सड़क पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें लोकतंत्र नहीं बल्कि दोबारा हिंदू राजशाही चाहिए। हालात इतने उग्र हो गए हैं कि नेपाल की सेना को अलर्ट पर रखा गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि नेपाल में भले ही लोकतांत्रिक सरकार हो, लेकिन वो सरकार भ्रष्ट है और काफी हद तक चीन के प्रभाव में है। चीन पैसे और ताकत के दम पर नेपाल के नेताओं को आराम से अपने नियंत्रण में कर लेता है और उसका नतीजा सबके सामने है। सड़कों पर उतरे हिंदुओं का कहना है कि नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। नेपाल की सड़कों पर जो लोग राजशाही को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि नेपाल दोबारा हिंदू राष्ट्र बन जाए। आपको याद दिला दें कि राजशाही के दौरान साल 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन उस समय नेपाल के लोगों को राजशाही से नफरत हो गई थी। महीनों तक नेपाल में राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन हुए और आखिरकार नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। नेपाल में लोकतंत्र और संविधान की स्थापना हुई, लेकिन अब ठीक उल्टा हो रहा है। नेपाल में हजारों लोग वापस राजशाही की मांग कर रहे हैं। नेपाल की सरकार का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे लोग नेपाल के ही पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह के समर्थक हैं, इसीलिए ये सभी नेपाल में राजशाही की मांग कर रहे हैं। नेपाल की सरकार ने अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। नेपाल की सेना से कहा गया है कि अगर प्रदर्शन बेकाबू हो जाते हैं तो बल प्रयोग की जरूरत पड़ सकती है।